दोस्तों, अगर आप घर बैठे पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आज के वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कैसे जो है आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर, जहाँ पे दोस्तों आप अपनी मनचाही फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पसंद आए लाइक कीजिएगा। तो पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखिए आप लिख रखा है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं एज पर ITD गाइडलाइंस रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड एंड चेंज इन करेक्शन पैन कार्ड एप्लीकेशन इज प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली फॉर अपडेट एंड करेक्शन इन पैन डाटाबेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप अपडेट या फिर आपके पैन कार्ड पहले से बना हुआ है तो उसमें कुछ करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, तो यहां पे देखिए दो ऑप्शन है, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्टर यूजर। तो यहां पे देखिए आपको करना क्या है, एप्लीकेशन टाइप पे जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर आप न्यू पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी आपसे पूछेगा। कैटेगरी यहाँ पे इस प्रकार होगी कि अगर आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल को सेलेक्ट कीजिए, अगर आप एसोसिएट ऑफ पर्सन या फिर बाकी लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। लेकिन आप अपने लिए बनवा रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एप्लीकेंट का इन्फॉर्मेशन दिया पूछा गया है, तो आपको जो है एप्लीकेंट का इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, जैसे कि टाइटल्स यानी कि श्री श्रीमती कुमारी जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे सरनेम लिखना है। सरनेम बोलते तो दोस्तों आपकी जो भी टाइटल होती है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है रोहन शर्मा तो आपको यहाँ पे शर्मा पहले लिखना है, और इसके बाद फर्स्ट नेम में जो है रोहन लिखना है। अगर आपका कुछ मिडिल नेम है जैसे रोहन कुमार शर्मा है तो आप रोहन यहाँ पे लिखेंगे, कुमार यहाँ पे लिखेंगे और शर्मा जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ पहले आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हो जो भी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको मेल आईडी देनी है, जो भी आपका मेल आईडी है वो दे दीजिए, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, और ये कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करने के बाद दोस्तों इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सबमिट का बटन है, आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं आपका कुछ इस प्रकार का यहाँ पे टोकन नंबर जो है जनरेट हो जाता है। इस टोकन नंबर को आपको एक मंथ के अंदर पूरा फॉर्म को पूरा फर्दर फिलअप करना है। यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे गाइडलाइंस, पर्सनल डिटेल, ये सारा ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे KYC करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है दिए जा रहे हैं, जैसे कि डिजिटली eKYC करने के लिए बोल रहा है, सबमिट स्कैन इमेज जो आपका साइन है वो आप स्कैन करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है शो करेंगे। जो सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें दोस्तों जो सेकंड वाला है, जिसमें आपको अपनी सिग्नेचर का इमेज जो है सबमिट करना है, उससे जो है आपके eKYC हो जाएगी। तो मेरा जो मेन मकसद रहेगा दोस्तों, आप जो है इसको सेकेंड ऑप्शन को जहाँ पे अभी रेड कलर का सर्कल दिख रहा है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आपको इंस्ट्रक्शन लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि दोस्तों अगर आपने आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपके सही सही नाम वगैरह और सही सही डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर वगैरह सब कुछ लिखा होना चाहिए। हालांकि हमने आधार कार्ड के रिगार्डिंग में वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पे येस करना है। इसका दोस्तों यहाँ पे जो आपको अपना आधार नंबर लिखना है, तो आपको आधार के लास्ट 4 डिजिट जो यहाँ पे इंटर करने हैं। अब यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड में नाम है दोस्तों, आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नाम में जो भी आपका लिखा हुआ है वो नाम लिखेंगे। इसके दोस्तों नीचे यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फुल आपको नाम लिखना है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले ही फिलअप कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि आप जो है किसी और भी नाम से जाना जाते हैं, हैव यू एवर नोन बाई अदर नेम, तो आप येस नो में यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। अगर येस करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, अगर नो करेंगे तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फादर के नाम जो है मेंशन करना है, और फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है। इसके बाद यहाँ पे मदर नेम ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सरनेम ही लिखना है, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम। इसके बाद दोस्तों आप अपने पैन कार्ड में नाम किसका चाहते हैं, माता जी का या फिर फादर का, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव ड्राफ्ट में आप जाएंगे,
अब यहाँ पे देखिए प्लीज टिक द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेबल में आपको जो भी इनकम है, जो भी आपको बताना है, अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल हो या फिर दोस्तों आप स्टूडेंट हो, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन बोलता है, तो आप जो है जो भी एड्रेस यहाँ पे देंगे, अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेंगे, उस एड्रेस में जो है पैन कार्ड आपका आएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे सही सही फिलअप करना है, जो भी आपका नेम, बिल्डिंग वगैरह हो, जो भी स्टेट हो, पिन कोड वगैरह सब कुछ सही यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑफिस एड्रेस पूछता है, तो अगर आपका कुछ ऑफिस एड्रेस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिसको भी आप यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी पूछता है, तो जो भी आपका टेलीफोन नंबर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह अगर देना चाहते हैं दे दीजिए, मेल आईडी आप यहाँ पे लिख दीजिए, हालांकि पहले आपने दे रखा है। अब यहाँ पे अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसेस, तो यहाँ पे जो है आप यस नो में जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद इसको भी आप सेव कर देंगे, आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे एरिया कोड आपको बनाना है, तो यहाँ पे एरिया कोड जो भी आपका एरिया कोड हो दोस्तों आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए और एओ कोड के लिए आप इंडियन सिटीजन जो भी यहाँ पे ऑप्शन है तो इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका स्टेट है, यहाँ पे दोस्तों आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। ये सब सिटी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन जो आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना एरिया कोड वगैरह जान सकते हैं और ये सब जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको भी सेव कर लेंगे। अब ये जो है एओ कोड जो आपका हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन सा प्रूफ आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारे ऑप्शन जो है शो कर रहे हैं। फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड से करना चाहते हैं, जिस जो भी आपके पास है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसका दोस्तों प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने आधार को सेलेक्ट कर लिया है। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन जो है शो करेंगे, जो भी आपके पास है आप जो है उसके माध्यम से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया हुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन में आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपने के लिए, अगर आपने अपने के लिए बनवा रहे हैं, जो भी प्लेस है आपका, डेट यहाँ पे बताएंगे कौन से डेट को आप ये फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जो भी आप फोटो अपना चाहते हैं, जैसी जो भी फोटो आपके पास है वो फोटो जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके दोस्तों डाटा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो है यहाँ पे आ रहा है, तो आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर दिए हुए हैं आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आपने जितने डॉक्यूमेंट दिए हैं सब जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे आधार नंबर के रिगार्डिंग आ रहा है, तो आप अपना आधार नंबर फिलअप कर देंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपने फिलअप किया वो सही है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 106 रुपये का ये फॉर्म लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे करना चाहते हैं पेमेंट, तो आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, यहाँ पे चार्जेस लिखे हुए हैं, आप चार्जेस यहाँ पे देख सकते हैं कितने पैसे लग रहे हैं, तो आप जो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहां पे सेलेक्ट करने के बाद यहां नीचे जाएंगे, आई एग्री को टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड फॉर द पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे जो है पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे अगर आप स्कैन के थ्रू करना चाहते हैं तो स्कैन क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप सारा फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे ऑथेंटिक करके अब यहाँ पे कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए OTP ऑथेंटिकेशन आया हुआ है, आपके मोबाइल में जो भी दिया होगा OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पे डाल देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो दोस्तों फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू विद ई साइन, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख के सेंड OTP कर देना है, तो आपका जो आधार नंबर जिस नंबर पे रजिस्टर्ड है उस नंबर पे OTP आएगा, वो OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए डालने के बाद आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, या देखिए आपके मोबाइल पे आया हुआ है। अब वो OTP डाल के इसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद जैसे आप यहाँ पे OTP डालेंगे वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आएगा, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पैन कार्ड है वो पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे पासवर्ड जो है मांगा गया है, तो पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, तो जो फॉर्मेट में दिया हुआ है वो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, तो आप जो है अपना पैन कार्ड जो है दोस्तों डाउनलोड यहां से
कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप जो है पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनिंग।